हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू एनएस क्लासेस माय नेम इज़ नीतू आज हम बात करेंगे डे फोर के ऊपर आप सबको पता है कि हमने इक्कीस दिन का क्रैश कोर्स स्टार्ट किया है भाई आपका एन और यूजीसी नेट के अकॉर्डिंग ठीक है कंप्यूटर साइंस हम पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हो कल हमने देखा था डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक और डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक में कल हमने देखा था नंबर्स एंड कोड कन्वर्जन के ऊपर जो क्वेश्चन आते हैं उसके हमने सारे जो टाइप हैं सारे डिस्कस कर लिए थे ताकि यहाँ से क्वेश्चन आए क्योंकि नंबर कोड कन्वर्जन में से क्वेश्चन आता ही आता है तो आएगा तो आपका जो है क्वेश्चन गलत ना हो आज हम देखेंगे भाई आपके आपके के 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 मैप मैप ऊपर जो जो क्वेश्चंस हैं वो देखेंगे कि में जो है डिजिटल कैसे कैसे क्वेश्चन आते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं ठीक है तो चलिए जो है आज की क्लास स्टार्ट करते हैं अगर आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो प्लीज कमेंट सेक्शन में कमेंट कर दिया कीजिए ताकि जो है मुझे भी अच्छा लगे मुझे भी मोटिवेशन मिले और मुझे भी लगे कि हाँ जो मैं पढ़ा रही हूँ वो आप लोगों को समझ में आ रहा है आप लोगों को कुछ नया सीखने को मिल रहा है तो इतना तो आप कर ही सकते हो एक वीडियो को लाइक कर सकते हो और कमेंट कर सकते हो और साथ में शेयर भी कर सकते हो ओके तो क्लास को करते हैं स्टार्ट पहला क्वेश्चन देखो भाई यहाँ पर स्टार दे रखा है ये यह, यहाँ पर स्टार डिफाइंड है और एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू एक्स डैश प्लस वाई ठीक है यहाँ पर आपको लेट जेड इज इक्वल टू दिस तो आपको वैल्यू निकालनी है जेड स्टार प्लस एक्स की तो क्या वैल्यू होगी तो यहाँ पर देखो भाई आप ये देखो जेड का आपको जेड को आपको पता है जेड की वैल्यू क्या होती है एक्सटार वाई ठीक है और एक्स स्टार की एक्स स्टार वाई की वैल्यू आपको दे रखी है कितनी हुई एक्स बार प्लस वाई ये दे रखी है ठीक है अब एक्स बार वाई आपको यहाँ सॉरी एक्स बार प्लस वाई दे रखी है अब यहाँ पर देखो भाई ठीक है भाई तो आप सबको पता है कि जो जेड है हमारा वो एक्स स्टार वाई है ठीक है अब हमें निकालना है जेड इन एक्स की वैल्यू निकालनी है तो जेड की वैल्यू हमारे पास क्या है एक्स स्टार वाई और एक्स हमारा ये हो गया ठीक है अब एक्सट आर वाई की जगह हमने ये वैल्यू दे रखी है एक्सटार वाई इज इक्वल टू एक्स बार प्लस वाई तो मैंने ये वाली वैल्यू यहाँ पर पुट कर दी उसके बाद अब मुझे जो है इस यहाँ पर मैं डी मॉर्गन थ्योरम लगा देती हूँ कौन सी थ्योरम लगा देती हूँ डी मॉर्गन थ्योरम और डी मॉर्गन थ्योरम में हम क्या करते हैं जो प्लस का साइन होता है उसको मल्टीप्लाई में कर देते हैं यानी कि एक्स बार प्लस वाई और एक और मैंने यहाँ पर बार लगा दिया तो अब क्या होगा जो ये प्लस है यहाँ पर क्या बन जाएगा मल्टीप्लाई बन जाएगा तो एक्स बार का बार इन टू ये जो आपका तो जो पूरे पे ऊपर बार था ये ब्रेक हो जाएगा ठीक है क्या हो जाएगा ब्रेक हो जाएगा और ब्रेक होके ऐसे हो जाएगा एक्स एक एक बार का बार और प्लस की जगह क्या आ जाएगा मल्टीप्लाई का साइन और वाई के ऊपर क्या आ जाएगा आपका बार आ जाएगा तो द, डबल बार है तो यहाँ पर तो एक्स आ गया इन टू वाई के ऊपर बार हो गया फिर जो है यहां पर भी आपका क्या आ जाएगा प्लस आ जाएगा ठीक है तो ये यह यहाँ पर हमारा आ गया है अब देखो अब देखो भाई अब यहाँ पर मेरा ये आ गया ठीक है ठेके? अब मेरा यहां पर ये यह आ गया है तो अब मैं क्या करूंगी x इंटू वाई का बार x इंटू वाई का बार क्या होता है भाई अब x इंटू वाई का बार प्लस एक्स या तो इसको या तो इस पर तो हम डायरेक्ट एजुशन लो लगा सकते हैं उसमें क्या होता है कि डायरेक्ट यहाँ पर एक्स का कॉमन ले और वन प्लस वाई का बार तो ये वन प्लस वाई का बार वन में कुछ भी ऐड करें तो वो आपका वन ही होता है तो यहाँ पर आपका आ गया एक्स तो यहां से आपको समझ में आया जेड स्टार एक्स हमने लिया था हमने जब स्टार्टिंग में इसको सॉल्व करना स्टार्ट किया तो हमने जेड स्टार एक्स लिया था जो कि आपका एक्स के बराबर आया था तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा भाई एक्स यानी कि बी ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा ठीक है तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा कोई डाउट हो तो भाई आप मुझसे पूछ सकते हो चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका लेट वाई एक्स वाई जेड इजिकल टू एक्स का बार प्लस वाई का बार एक्स प्लस एक्स जेड बी स्विच इंग फंक्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड इसमें से कौन सा ऐसा है जो वैलिड है बोल रहा है कि वाई बार एक्स इज अ प्राइम इम्प्लीमेंट ऑफ वाई तो यहाँ पर ध्यान से देखना जो इम्प्लीमेंट इम्प्लीकेंट होते हैं इम्प्लीकेंट क्या होते हैं प्रोडक्ट टर्म दैट इज इंक्लूडेड इन फंक्शन मतलब वो प्रोडक्ट टर्म जो फंक्शन में इंक्लूडेड होते हैं ठीक है थेके? तो यहाँ पर ये यह आपका फॉल्स हो जाएगा प्राइम इम्प्लीमेंट क्या होते हैं इम्प्लीकेंट इम्प्लीकेंट दैट इज नॉट इंक्लूडेड इन एनी अदर इम्प्लीमेंट मतलब जो वो वो इम्प्लीकेंट जो अदर किसी और में जो है इंक्लूडेड नहीं होते तो देखो y बार का x y बार का x जो है प्राइम इम्प्लीमेंट है यहाँ पर बोल रहा है f का तो y बार x देखो x यहाँ पर भी है और x यहाँ पर भी है तो ये जो है प्राइम इम्प्लीकेंट क्या कहता है कि वो किसी और में इंक्लूडेड नहीं होते तो ये आपका नहीं होगा एक्स जेड इज़ अ मीन टर्म ऑफ एफ एक्स जेड जो है वो मीन टर्म होनी चाहिए और मीन टर्म में क्या होता है कि अब यहाँ पर एक्स और जेड है तो यहाँ पर आपका वाई भी होना चाहिए मतलब जितनी टर्म्स हैं सारी जो है इसके अंदर इंक्लूडेड होनी चाहिए लेकिन वो भी यहाँ पर नहीं है तो ये भी आपका वैलिड नहीं होगा थर्ड ऑप्शन देखो एक्स जेड एक्स एक जेड इज इम्प्लीकेंट ऑफ एफ जो आपका एक्स जेड है वो इम्प्लीकेंट है किसका भाई एफ uh, का ठीक है तो एक्सजेट जो है वो आपका इंप्लीकेंट है तो बिल्कुल है भाई तो यहाँ पर ये यह स्टेटमेंट आपकी क्या हो जाएगी ट्रू हो जाएगी और वाई इज अ प्राइम इंप्लीकेंट और प्राइम इंप्लीकेंट मैंने आपको बताया था कि आ, यहां पर देखो एक्सजेट जो है वो आपकी मीन टर्म नहीं है मीन टर्म प्रोडक्ट दैट टर्म इज विच ऑल अवेलेबल इन अपीयर मतलब जो प्रोडक्ट है वो सारे जितने भी वेरिएबल्स हैं सब आएंगे ठीक है और डी बोल रहा है कि वाई इज वाई नॉट प्राइम इम्प्लिकेंट एज इट इंक्लूडेड इन द बोथ एक्स बार एंड एक्स जेड मतलब जो आपका वाई जो है वो प्राइम इम्प्लिकेंट नहीं है क्योंकि वो एक्स में भी इंक्लूडेड है और एक्स जेड में भी इंक्लूडेड है ठीक है तो यहाँ पर डी ऑप्शन भी नहीं होगा आपका बी भी नहीं होगा और ए भी नहीं होगा तो यहाँ पर जो आपका आंसर होगा वो भाई सी होगा ठीक है क्योंकि सी जो है वो आपका यहाँ पर सही है ठीक है तो यहाँ पर ये प्राइम इम्प्लिकेंट की बात कर रहा है प्राइम इम्प्लिकेंट जो है वो किसी दूसरे में इंक्लूडेड नहीं होते लेकिन ये और ये जो है इंक्लूडेड हैं और ये मीन टर्म की बात कर रहा है तो मीन टर्म जो है वो आपकी जितनी भी टर्म्स होती हैं सारे उसके अंदर इंक्लूडेड होती हैं तो तीनों ही इनवैलिड हैं लेकिन जो आपका सी ऑप्शन है वो आपका सही है ठीक है और इम्प्लीगेंट आपको मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि वो प्रोडक्ट जो दूसरे के अंदर भी इंक्लूडेड होता है तो जो है एक्स जेड जो है वो बिल्कुल इंक्लूडेड है तो इसलिए यहाँ पर ये यह वैलिड हो जाएगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई एक्स वाई जेड एक्स का बार प्लस वाई का बार एक्स प्लस एक्स जेड भीज है बी भी ए स्विचिंग फंक्शन विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज वैलिड मतलब ये जो है ये आपका यही है इसमें इसको जो है आप के मैप बनाकर भी जो है इसको यहाँ पर सॉल्व कर सकते हो तो दोनों तरीके से कर सकते हो बाकी तो मैंने आपको यहाँ पर इम्प्लीमेंट भी बता दिया प्राइम इम्प्लीमेंट भी बता दिया तो आपको समझ में आ गया होगा कि ये चीज़ें होती क्या हैं ठीक है ठीके? तो क्लियर है भाई बाकी आप इसका जो है इस तरीके से के मैप आप बना सकते हो कि थ्री वेरिएबल हैं तो थ्री वेरिएबल का के मैप आप जो है इस तरीके से बनता है ये एक्स हो गया यहाँ पर ये यह वाई जेड हो गया तो यहाँ पर ये यह एक्स का डेस्ट हो जाएगा यहाँ पर एक्स का सॉरी एक्स हो जाएगा और यहाँ सॉरी एक सेकेंड फिर से बनाते हैं देखो अब बनाते हैं ये है भाई ठीक है ये आप बनाओगे तो ये एक्स है ये x का डैश है और ये x है ठीक है तो यहाँ पर जो है आपके एक दो तीन चार क्योंकि ये जीरो वन थ्री टू फोर फाइव सेवन सिक्स इस तरीके से रिप्रेजेंटेशन होती है के मैप की अब देखो यहाँ पर अब यहाँ पर देखो भाई वन वन कहाँ पर है वन है आपका x का बार ठीक है अब ये देखो ये सारी टर्म्स नहीं है तो हम इसको पूरा बनाने के लिए हम क्या करेंगे भाई हम इसकी मल्टीप्लाई करेंगे किससे भाई y प्लस वाई का बार इंटू जेड प्लस जेड के बार से क्यों क्योंकि भाई सारी वैल्यूज होंगी तभी तो आपको पता चलेगा कि मुझे यहां पर वन लिखना है यहां पर जीरो लिखना है ठीक है क्योंकि ये मीन टर्म है और मीन टर्म में हम क्या करते हैं वन को कंडीशन जो है कंसीडर करते हैं ओके तो यहाँ पर वाई प्लस वाई का बार जो है वो वन के बराबर होता है ऐसे ही जेड जेड प्लस जेड का बार जो है वो आपका वन के बराबर होता है तो इनको लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता है लेकिन जब समाइम जो है पूरी स्टेटमेंट नहीं दी होती तो हम जो है इस तरीके से लगा के पूरी बनाते हैं और फिर के मैप बनाते हैं ठीक है तो इस तरीके से भी जो है आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं यहाँ पर देख सकते हो आप कि uh, x का बार y plus y का बार z plus z का बार yx का बार में z plus z के बार को मैंने मल्टीप्लाई कर दिया और xz में जो है मैंने y plus y के बार को ये मल्टीप्लाई कर दिया जब आप इसको पूरे को मल्टीप्लाई करोगे सबके साथ तो ये वाली टर्म्स आपके पास आ जाएंगी तो जहाँ जहाँ पर है वहाँ पर आप 1 बनाओगे और जो है इसको लिख दोगे तो इससे आपको समझ में आ जाएगा कौन सा जो है इम्प्लीकेंट uh, है कौन सा मीन टर्म है कौन सा क्या है तो जिससे केस okay, जो है सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे ठीक है तो डायरेक्ट वैसे भी कर सकते हो अगर आपको पता है तो या फिर आपके मैप के थ्रू भी इसको कर सकते हो ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई थर्ड क्वेश्चन बोल रहा है कंसीडर द लॉजिक सर्किट आपको जो है लॉजिक सर्किट बनाना है uh, इन द फिगर ब्लो ब्लो फंक्शन एफ वन एफ टू देखो ध्यान से समझना इस क्वेश्चन को बोल रहा है एफ वन और एफ टू एफ वन और एफ टू पर क्या लग रहा है एंड गेट लग रहा है तो यानी कि मल्टीप्लाई हो रही है ठीक है क्योंकि एंड uh, गेट में हम क्या लगाते हैं और ही तो सॉरी uh, मल्टीप्लाई uh, ही तो करते हैं और एफ थ्री के साथ हम क्या करवा रहे हैं प्लस करवा रहे हैं यही है क्योंकि एफ वन और एफ टू का जो एंड होगा वो हमारा एफ थ्री के साथ हम क्या कर देंगे जोड़ देंगे ठीक है अब देखो एफ वन और एफ टू की जो है आपको यहाँ पर वैल्यू दे रखी है एफ वन जो है वो आपका एट नाइन टेन है और एफ टू जो है वो आपका सेवन एट 12 थर्टीन फोर्टीन और फिफ्टीन है तो आपको ये तो सभी को पता है कि जो हमारा एफ़ uh, वन और एफ़ टू जो यहाँ पर मल्टीप्लाई है तो हम जो है इंटरसेक्शन लेते हैं यानी कि दोनों का जो कॉमन होगा वो यहाँ पर हम लेंगे ठीक है तो आठ नौ दस और यहाँ पर देखो क्या है, जो है आपका कॉमन है कॉमन क्या है भाई एट तो यहाँ से हमारा आ गया एट ठीक है अब यह, अब हमारा यहाँ पर देखो डब्ल्यू एक्स वाई जेड डब्ल्यू एक्स वाई जेड यानी कि एफ थ्री एफ थ्री में हम क्या करवा रहे हैं प्लस करवा रहे हैं किसको इसको ठीक है तो देखो एट तो मेरा है ही तो जो हमारा एफ थ्री फंक्शन है एफ थ्री फंक्शन में मेरा क्या सॉरी एफ की वैल्यू दे रखी है सॉरी एफ की एफ की वैल्यू दे रखी है एफ थ्री आपको निकालना है ठीक है तो यहाँ पर देखो ये एफ जो है वो आपको लास्ट में जो आउटपुट मिलेगी वो एट और नाइन मिलेगी तो यहाँ से आपको ये तो पता चल गया यहाँ से तो आपको आठ मिल रहा है तो एफ थ्री से आपको क्या मिलेगा नाइन ही तो मिलेगा मतलब नाइन तो मिलेगा ही मिलेगा ठीक है और नाइन के साथ हम टेन भी नहीं ले सकते क्योंकि आउटपुट में तो सिर्फ हमें आठ और नौ ही मिल रहे हैं अगर आउटपुट में आपको आठ और नौ और दस मिलते तो हम यहाँ पर जो एफ थ्री के अंदर जो है नौ और दस लेते क्यों क्योंकि हम जो है इसमें प्लस करवाते हैं जितनी भी वैल्यूज़ होंगी यूनियन करवा देते हैं एक तरीके से ठीक है लेकिन यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ मुझे आउटपुट में क्या मिल रहा है आठ और नो मिल रहा है जब मुझे आउटपुट में आठ और नो मिल रहा है तो मुझे ये तो समझ में आ गया कि मुझे आठ यहाँ से मिल रहा है तो नो कहाँ से मिलेगा अभी एफ से मिलेगा और, और तो कोई आपको आउटपुट मिल नहीं रही है और जितनी भी आउटपुट यहाँ पर जितने भी हैं और यहाँ पर जितने भी हैं वो लास्ट में आपकी क्या बन जाएगी आउटपुट मिल जाएगी तो यहाँ पर आपका क्या होगा नाइन इसलिए जो है आपका आंसर क्या होगा भाई बी ऑप्शन जो है यहाँ पर बिल्कुल सही होगा क्लियर है भाई ओके ये इस तरीके से है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सामल्टेनियसली इक्वेशन ऑन द बुलियन वेरिएबल्स एक्स वाई जेड इज एंड डब्लू तो यहाँ पर जो है आपको निकालना है कि हैव द फॉलोइंग सोल्यूशन एक्स वाई जेड एंड डब्लू रिस्पेक्टिवली क्या सोल्यूशन होगा देखो जब इस टाइप के क्वेश्चन आ जाए ना तो इस टाइप के क्वेश्चन जो है आप ऑप्शन के थ्रू जो है सॉल्व कर सकते हो तो यहाँ पर देखो ये जो है ज़ीरो वन जीरो जीरो तो यहाँ से समझो ये एक्स की वैल्यू है ये वाई की वैल्यू है ये जेड की वैल्यू है और ये डब्ल्यू की वैल्यू है तो इन सब में जो है ये वैल्यूज़ पुट करते जाओ और देख लो भी ये क्या ये ये वाली जो वैल्यू है वो सब के जो है सेटिसफाई कर रही है कि नहीं कर रही अब देखो मैंने एक्स की जगह रखा ज़ीरो वाई की जगह रखा वन और जेड की जगह रखा ज़ीरो तो क्या वन आ रहा है बिल्कुल आ रहा है क्योंकि प्लस कर रहे हैं और कर रहे हैं तो ऑब्वियसली वन में कुछ भी ऐड करें आपको वन ही मिलेगा ठीक है अब एक्स और वाई और एक्स और वाई एक्स क्या है आपका जीरो वाई क्या है आपका वन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा जीरो आएगा क्योंकि एंड गेट में तो वही होता है कि मैक्सिमम इन इनपुट होंगी तभी आपको आउटपुट वन मिलेगा नेक्स्ट देखो एक्स जेड एक्स जेड आपका क्या है एक्स जेड है आपका जीरो इंटू जीरो ठीक है और प्लस डब्लू डब्लू भी क्या है आपका जीरो तो यहाँ पर आपको क्या मिल रहा है जीरो लेकिन यहाँ पर आपका क्या है वन तो ये तो आपका होगा नहीं क्यों क्योंकि यहाँ पर तो आपको जो है ज़ीरो मिल रहा है लेकिन मुझे यहाँ पर क्या मिलना चाहिए वन मिलना चाहिए तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर गलत है अब बी क्वेश्चन बी ऑप्शन को देख लेते हैं जब बी ऑप्शन को देखेंगे तो यहाँ पर देखो वन वन जीरो वन ठीक है तो वही अगेन एक्स वाई जेड और डब्लू ठीक है यही है अब देखो एक्स में मैंने रखा वन प्लस वन प्लस जेड आपका जीरो ठीक है तो यहाँ पर ये यह वन है तो अब यहाँ पर आइए आ गया वन ठीक है और एक्स और वाई एक्स और वाई को जब मैंने वन और वन किया तो मैक्सिमम जब इनपुट होंगी और उनको आप जब एंड करोगे तो आपको क्या मिलेगा वन मिलेगा लेकिन यहाँ पर जो है आपको क्या मिल रहा है जीरो तो ऑब्वियसली ये वाली स्टेटमेंट भी यहाँ पर क्या हो गई आपकी फॉल्स हो गई तो बी ऑप्शन भी नहीं होगा आप सी ऑप्शन पर आ जाओ तो वन जीरो वन वन ठीक है तो वन जीरो वन वन अगे देखो एक्स में आपने वन रखा वाई में जीरो रखा और जेड में आपने रखा वन क्योंकि एक्स वाई जेड और डब्लू ठीक है तो यहाँ पर यह आ गया वन अब देखो एक्स और वाई एक्स और वाई की जब अब यहाँ पर मल्टीप्लाई करोगे यानी कि एंड करोगे तो एंड क्या कहता है कि जब मैक्सिमम इनपुट होंगी तभी आपको आउटपुट वन मिलेगा तो यहाँ पर ये यह जीरो हो गया अब देखो थर्ड ऑप्शन एक्स जेड एक्स जेड क्या है आपका वन वन ठीक है वन वन प्लस डब्ल्यू क्या है आपका वन तो वन वन आपका क्या होगा भी? वन ही होगा तो ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई कर रही है अब देखो डी ऑप्शन डी ऑप्शन बोल रहा है एक्स और वाई यानी कि वा, वन इंटू जीरो प्लस जेड बार जेड बार आपका क्या हो जाएगा यानी कि अगर ये वन है तो जेड बार आपका क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा है ना प्लस जेड बार आपका जीरो हो गया डब्लू का बार डब्लू बार भी आपका क्या हो गया जीरो हो गया तो यहाँ से भी आपको जीरो मिला और ये भी आपका क्या है जीरो तो जीरो जीरो को ऐड करेंगे तो क्या आएगा जीरो और यहाँ पर जो है आपका जीरो ही आना चाहिए यानी कि चारों की चारों चारो कंडीशन जो है सेटिस्फाई जो कर रहा है वो है आपका सी ऑप्शन ठीक है डी ऑप्शन आप खुद चेक करके देखना भाई सारे के सारे बच्चे क्योंकि डी ऑप्शन भी आपका यहाँ पर चेक नहीं करेगा लेकिन फिर भी आप एक बार चेक करके देख लेना कि कैसे होगा तो क्लियर है भाई इस तरीके से ये क्वेश्चन सॉल्व होंगे ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो गिवन द फॉलोइंग के मैप ऑप विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिस्पेक्ट द मिनिमल सम ऑफ प्रोडक्ट यहाँ पर जो है आपको के मैप को सॉल्व करना है ठीक है के मैप को सॉल्व करना है और आपको बताना है कि यहाँ पर जो है आपकी एस ओ पी फॉर्म क्या होती है मिनिमल जो होता है वो आपका एस ओ पी होता है सम ऑफ प्रोडक्ट होता है ठीक है और यहाँ पर हम वन को जो है कंसीडर करते हैं मिनिमल की जगह अगर मैक्सिमल होता तो यहाँ पर जितने भी जीरो दे रखे हैं आप उनको कंसीडर करते क्लियर है भाई तो ये होता है आपका के मैप के अंदर और मैक्सिमम यहाँ पर हम कैपिटल एम से डिनोट करते हैं और यहाँ पर जो है आप स्मॉल एम से डिनोट करोगे एस ओ पी यानी कि, कि मिन टर्म को तो यहाँ पर आप देखो भी कहाँ कहाँ पर पेयर बन रहे हैं देखो केम मैप का सबसे पहला रूल जो हो, होता है ये ये होता है कि आपको बड़े से बड़ा पेयर बनाना होता है यानी कि दो का पेयर चार का पेयर आठ का पेयर सोलह का पेयर तो अब यहाँ पर देखो कौन कौन से पेयर आपके यहाँ पर बन सकते हैं और ये जो एक्स है ये यहाँ पर डोंट केयर कंडीशन है तो हम इनको यहाँ पर इनको कंसिडर करेंगे ठीक है तो यहाँ पर देखो भाई ये वाला हो गया आपका एक तो ठीक है उसके बाद एक ये हो गया एक ये वाला पेयर हो गया और एक ये वाला पेयर हो गया ठीक है तो यहाँ से ये कितने तीन पेयर ठीक है और ये ये वाला एक्सरसाइज को भी ले सकते हैं ठीक है तो ये वाले जो है यहाँ पर आपके पेयर बन जाएंगे तो अब देखो यहाँ पर ठीक है तो सबसे बड़ा पेयर आपका क्या हुआ सॉरी भाई सबसे बड़ा पेयर क्या है आपका एक तो ये वाला है ठीक है अब ये वाला ना लेके ये वाला लेते हैं और ये जो डोंट केयर कंडीशन है ये भी हम पेयर में ही काउंट करेंगे तो एक ही हो गया मतलब एक ये चार का पेयर और एक ये चार का पेयर क्या सारे वन कवर हो रहे हैं बिल्कुल हो रहे हैं तो ये बनेंगे छोटे छोटे ना बना के क्योंकि मैंने पहले ही कहा था कि हम बड़े बड़े पेयर बनाएंगे तो यहां पर ये वाला चार का पेयर बनाएंगे और ये वाला चार का पेयर बनाएंगे ठीक है तो अब यहाँ पर देखो भाई अब यहाँ पर देखो इन दोनों को देखो ये है आपका वाई और जेड तो यहाँ पर देखो वाई तो आपका सेम है मतलब वाई की जो वैल्यू है यानी कि वाई तो सेम है लेकिन जो आपका जेड की वैल्यू है वो यहाँ पर डिफरेंट कर रही है क्या हो रही है अलग हो रही है तो यहाँ पर हम वाई लेंगे इसके साथ ही अब यहाँ पर ऊपर देखो भाई ऊपर जो है ये दो हैं तो देखो आपकी जो डब्ल्यू की वैल्यू है वो तो डिफर कर रही है लेकिन एक्स की वैल्यू जो है वो यहाँ पर सेम है तो यानी कि एक्स और वाई यहाँ से हो गया अब देखो ये वाला अब ये वाले में देखो हम क्या लेंगे इस वाले को लेंगे क्योंकि ऊपर की तो चारों वैल्यू क्या है डिफरेंट है तो यहाँ से आपका क्या हो गया वाई बार प्लस जेड वाई बार प्लस जेड तो आपका आंसर हो जाएगा एक्स वाई प्लस वाई बार जेड यानी कि ए ऑप्शन जो है वो आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा ठीक है तो इस तरीके से जो है आपको सबसे पहले यही चेक करना है कि जो सबसे मैक्सिमम पेयर हैं वो बनाएं और मैक्सिमम जो है यहाँ पर चार चार के पेयर बन गए हैं डोंट केयर कंडीशन के साथ ठीक है तो ये सारे वन कवर हो गए और यहाँ पर ये यह वाले सारे वन कवर हो गए डोंट केयर कंडीशन कवर होना जरूरी नहीं है लेकिन वन हमारा मोटिव होना चाहिए वन को सारे वन को कवर करना ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई यहाँ पर भी आपको ऑफ प्रोडक्ट ही बताना है डब्ल्यू एक्स वाई जेड शोन इन के मार्प तो यहाँ पर देखो यहाँ पर आप कौन कौन से जो है पेयर बना सकते हो तो यहाँ पर भी आपके जो है पेयर जो बनेंगे तो सबसे पहले हमारी कोशिश ये रहेगी हम या तो आठ का पेयर बनाएं या फिर चार चार के पेयर बनाएं तो देखो भी कोई पेयर बन रहा है तो हम जो है इसको ये वन वन है ये दो वन वन है इस तरीके से और ये है हम कॉर्नर वाले को भी बना सकते हैं तो ये यहाँ से बन गया और फिर एक जो है आपका यहाँ से बन गया ये चार का पेयर और ये चार का पेयर ठीक है तो ये जो है दो पेयर यहाँ पर बन गए हैं एक पेयर जो है ये और ये वाला और ये वाला मिला के एक पेयर हो गया ये वाला और ये वाला मिलाकर एक पेयर हो गया ठीक है अब आपको करना क्या है अब आपको करना है क्या है ये वाला देखो और ये वाला देखो अब इसमें जो है किसकी वैल्यू डिफ़र हो रही है देखो वाई की वैल्यू डिफ़र है लेकिन जेड की वैल्यू जीरो जीरो यानी कि जेड का बार हो गया अब इसमें देखो अब इसमें आपकी जो है जीरो और वन यानी कि वाई की वैल्यू सॉरी डब्ल्यू की वैल्यू तो डिफर है लेकिन एक्स की वैल्यू सेम है तो यानी कि जेड बार एक्स हो गया ठीक है अब देखो प्लस इधर वाले में इधर वाले में देखो वाई वाई की वैल्यू जो है वो डिफ़र है लेकिन जेड की वैल्यू सेम है तो जेड हो गया और इधर वाले में देखो जीरो जीरो और वन जीरो तो जीरो और वन तो डिफर है यानी कि W की, की वैल्यू तो डिफर है लेकिन X की वैल्यू सेम है तो यानी कि Z का X बार हो गया तो देख लो तो आपका एक तरीके से एक गेट बन गया है यानी कि Z का बार X प्लस में X बार Z यही है तो देख लो भी कहाँ पर है X Z का बार और जेड एक्स का बार तो यानी कि वी ऑप्शन आपका सही होगा ठीक है ऑप्शन सही होगा भाई एक्जोर बगेट बन गया एक तरीके से हम इसको इस तरीके से भी लिख सकते हैं जेड एक्जोर एक्स क्लियर है ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई हाँ जी ये क्वेश्चन देखो सेम क्वेश्चन अभी थोड़ी देर पहले हमने किया था कंसीडर द फॉलोइंग लॉजिक सर्किट इनपुट आपको ये दे रखी है और आपको बता रखा है कि ये एफ वन है ये एफ टू है ठीक है और यहाँ पर हमने क्या लगा दिया नैंड गेट लगा दिया पहले हमने और, और आपका एंड गेट था यहाँ पर आपका क्या है नैंड गेट है ठीक है अब आपको क्या करना है और यहाँ पर जो है आपका नोट गेट लगा हुआ है और यहाँ पर आपका नेट गेट है ठीक है तो वही है आपको क्या करना है भाई देखो ये वाला क्वेश्चन है आपका आपको पता है कि जो आपका एफ होगा वो यहाँ पर जो एफ होगा वो क्या होगा भाई एफ वन इंटू एफ टू देखो नॉर्मल अगर एक सेकेंड देखो यहाँ पर अगर एंड गेट होता एंड गेट होता तो नॉर्मल क्या होता है एफ वन इंटू एफ टू होता है ना लेकिन यहाँ पर देखो नैंड गेट है तो एक बार आ जाएगा क्लियर है भाई अब यहाँ पर देखो एफ थ्री एफ थ्री के ऊपर तो ऑलरेडी बार है क्योंकि नोट गेट है जब आउटपुट आएगी लेकिन एक और नैंड गेट लगा देंगे तो पूरे पे क्या हो जाएगा होल बार हो जाएगा यही आउटपुट आएगी तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो डी मॉर्गन सॉरम यहाँ पे लगेगी समझ में आया भाई देखो नैंड गेट है अगर नॉर्मल लैंड गेट होता तो इसकी आउटपुट होती है एफ वन और एफ टू नैंड गेट है तो एक बार लगा दिया तो यहाँ पर देखो एफ थ्री अगर नॉर्मल होता तो एफ थ्री होता लेकिन क्या है भाई यहाँ पर आपका नोट गेट लगा हुआ है तो एफ थ्री का बार हो जाएगा फिर लास्ट में एक और नैंड गेट है तो पूरे पे फिर से होल बार आ जाएगा तो ये जो है आप किस से सॉल्व करोगे डी मॉर्गन थोरम से तो हम क्या करेंगे इसको अलग अलग कर देंगे एफ वन और एफ टू को मैंने अलग किया यानी कि डबल बार कर दिया प्लस और एफ थ्री के ऊपर भी मैंने क्या कर दिया डबल बार कर दिया तो इससे क्या होगा आपका दोनों के दो बार जो है वो हट जाएंगे और आपका जो यहाँ पर जो एफ़ की वैल्यू हो जाएगी वो एफ वन इंटू एफ टू प्लस एफ थ्री हो जाएगी ये हो जाएगी ठीक है और इज इक्वल टू एफ़ ये आपको निकालना है तो वही क्वेश्चन आ गया भाई एफ़ वन और एफ़ टू का जो है आप एंड करोगे और एफ़ थ्री के ओर में जो है जोड़ दोगे तो देखो यहाँ पर क्वेश्चन में आपको दे रखा है अब देखो एफ़ वन और एफ़ टू क्या है भाई एफ वन और एफ टू ठीक है और प्लस थ्री एफ थ्री तो एफ वन की जो वैल्यू है वो क्या है ज़ीरो वन थ्री फाइव क्या है जीरो वन थ्री फाइव और एफ़ टू की जो वैल्यू है वो सिक्स और फाइव है तो अब देखो यहाँ पर जो कॉमन है क्योंकि यहाँ पर हम क्या करते है? कर हैं एक तरीके से इंटरसेक्शन करवाते हैं एंड गेट है तो कॉमन आपका यहाँ पर क्या आ जाएगा फ़ाइव ठीक है लेकिन यहाँ पर आपको एफ थ्री की वैल्यू निकालनी है एफ़ थ्री की वैल्यू निकालनी है तो एफ़ देखो एफ़ क्या होगा आपका एफ है आपका आ, वन फोर फाइव क्या है वन फोर फाइव ठीक है तो यानी कि जो है आपको जो फाइनल आउटपुट मिल रही है वो एक चार और पाँच मिल रही है तो यानी कि F3 के अंदर आपका एक और चार तो होगा ही होगा पाँच भी हो सकता है ठीक है लेकिन यहाँ पर देखो छः और सात छः और सात तो नहीं होगा क्योंकि अगर छः और, और सात होता तो फाइनल आउटपुट होती छः सात और पाँच ठीक है जीरो एक तीन चार भी नहीं होगा क्योंकि फाइनल आउटपुट होती है ज़ीरो एक तीन चार एक तीन पाँच ठीक है तो ये भी नहीं होगा तो आपका आंसर क्या होगा भाई ए ऑप्शन क्योंकि ए ऑप्शन में चार डायरेक्ट दे रखा है एक चार और पांच तो एक चार पांच हो सकता है क्योंकि फाइनल आउटपुट हमें एक चार और पांच मिल रही है ठीक है क्लियर है भाई तो यहाँ से आपका ए ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही होगा ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो द लिटरल काउंट ऑफ अ बुलियन एक्सप्रेशन इज द सम ऑफ नंबर ऑफ टाइम्स इच लिटरल अपीयर्स इन द एक्सप्रेशन फॉर एग्जांपल द लिटरल काउंट ऑफ एक्स वाई प्लस एक्स जेड इज फोर वट आर द काउंट ऑफ़ ऑफ़ द फंक्शन गिवन द फॉलोइंग के मार्प हैंस द डोंट केयर ठीक है तो एक्स जो है वो डोंट केयर को डिनोट कर रहा है तो जो है आपको बताना है यहाँ पर देखो आपको यहाँ पर दोनों टर्म बतानी है देखो द लिटरल काउंट बुलियन एक्सप्रेशन इज द सम ऑफ नंबर टाइम लिटरल नंबर अपर फॉर एग्ज़ाम्पल दिस तो यानी कि आपको मैक्स टर्म भी निकालनी है एस ओ पी भी निकालनी है और पी ओ एस फॉर्म भी बतानी है ठीक है और बताना है कि कितने नंबर ऑफ़ जो वेरिएबल्स हैं उसके अंदर आ रहे हैं जैसे यहाँ पर ये है तो यहाँ पर हम इसको काउंट कितना करेंगे एक दो तीन चार तो यहाँ पर हम चार वेरिएबल काउंट करेंगे तो इस तरीके से वेरिएबल काउंट करके बताना है कि कितने वेरिएबल आ रहे हैं ठीक है तो ये जो है ये ऑप्शन है कि uh, जो है पी ओ एस में ग्यारह आ गए एस ओ पी में नौ आ गए पी में नौ आ गए एस में तेरह आ गए पी में नाइन आ गए और एस में दस आ गए इस तरीके से जो है आपको बताने हैं तो सबसे पहले जो है हम करते आ रहे हैं यानी कि जो अपना पी ओ एस फॉर्म है वही करेंगे क्योंकि ज़्यादातर जो है वही यूज़ की जाती है उसके बाद हम पी करेंगे और हमेशा याद रखना पी में आप जीरो को कंसिडर करोगे और ये आपकी मैक्स टर्म होती है और एस जो है वो आपकी मीन टर्म होती है ठीक है क्लियर है भाई अब यहाँ पर देखो सबसे पहले हम यही ट्राई करेंगे कि बड़े बड़े का पेयर बनाएं यानी कि बड़े से बड़ा पेयर बनाने की कोशिश करें तो बड़े से बड़ा जो आपका पेयर बनेगा एक तो ये बनेगा ठीक है और एक ये हो सकता है एक ये हो सकता है एक ये हो सकता है और एक यहाँ पर ये हो सकता है ठीक है फिर उसके साथ जो है आपका एक पेयर ये हो सकता है एक पेयर आपका ये हो सकता है ठीक है तो ये पेयर बन जाएंगे क्योंकि चार पहले मैंने चार चार के पेयर बनाए बीच वाला चार का फिर ये मैंने साइड वाले चार पेयर और फिर जो आपका ये वन रह गया तो ये इसके साथ बना दिया ये वन रह गया तो ये मैंने इसके साथ बना दिया ठीक है तो इस तरीके से आप बना सकते हो तो सबसे पहले देखो भाई यहाँ पर देख लेते हैं क्वेश्चन में हाँ देखो ये जो है ये आपका जो है एस ओ पी फॉर्म है ठीक है तो देखो एक हमारा ये वाला पेयर बना था फिर मैंने ये चार चार के पेयर बनाए थे फिर मैंने जो है वन वन का और फिर मैंने इसके साथ बनाया था ठीक है तो अब देखो यहाँ पर देखो देखो ये एक्स और वन के साथ भी बन सकता है ये इसके साथ भी बन सकता है तो कहीं कंफ्यूज होने वाली बात नहीं है तो यहाँ पर देखो जीरो और वन और वन वन तो क्या डिफर जा रहा है देखो एक्स तो डिफर जा रहा है लेकिन वाई की वैल्यू सेम है तो वाई आ गया यहाँ से फिर उसके बाद जो है उसके बाद ऊपर देखो जीरो वन 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 तो जेड तो डिफर जा रहा है लेकिन डब्लू की वैल्यू सेम है यानी कि वन वन है तो यहाँ पर डब्लू आ गया ठीक है प्लस अब ये चार देखो ये वाला ये वाला ये वाला और ये वाला तो यहाँ पर देखो जीरो जीरो वन जीरो तो यहाँ पर क्या हो रहा है डब्लू आपका सेम है तो क्या हो जाएगा डब्लू बार हो जाएगा ठीक है उसके बाद जो है ये और ये तो यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा वाई का बार क्योंकि ज़ीरो ज़ीरो वन जीरो तो यहाँ पर क्या जीरो एक्स की वैल्यू तो डिफ़र कर रही है लेकिन वाई की वैल्यू सेम है तो वाई का बार जो है डब्लू का बार वाई आ जाएगा ठीक है उसके बाद यहाँ पर देखो आपका इलेवेंथ में मतलब जो ये थर्ड वाला पेयर है तो यहाँ पर देखो ज़ीरो ज़ीरो जीरो वन ज़ीरो 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 वन तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जीरो ज़ीरो तो सेम है जीरो वन डिफरेंट जेड की वैल्यू तो सेम है जेड और यहाँ पर एक है यानी कि आपका एक्स वाई तो ये आ जाएंगे ठीक है उसके बाद ठीक है उसके बाद आपका ये वाला तो यहाँ पर देखो ज़ीरो वन तो है ही यानी कि जेड का बार और हाँ सॉरी जेड का बार डब्ल्यू तो है ही इसके साथ में आपका जो है जीरो जीरो और जीरो वन यानी कि वाई की वैल्यू तो डिफर कर रही हो और एक्स की वैल्यू सेम है जीरो यानी कि यहाँ पर आ जाएगा आपका एक्स का बार तो देखो काउंट कर लो एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस तो टोटल कितने जो है यहाँ पर लिटरल्स हो गए टेन इलेट्रल्स हो गए किसके अंदर भाई आपका पी ओ एस एस सॉरी एस ओ पी फॉर्म के अंदर यानी कि मेन टर्म के अंदर तो यहाँ पर देखो अगर नॉर्मल देखो एस uh, ओ आपकी बाद में है एस आपकी बाद में है तो देखो दस किसके पीछे आ रहा है भाई सी uh, के पीछे यानी कि यही आंसर होगा वैसे टेन तो किसी और में है भी नहीं तो अब देखो पी ओ एस और देख लेते हैं क्योंकि पी ओ आर एस में चेक कर लेंगे कि क्या नाइन होंगे तो पी ओ आर एस कर लो भाई पी ओ एस में आप किसके किसके पेयर बनाओगे जीरो जीरो के पेयर बनाएंगे तो यहाँ पर देखो सबसे पहले वही बड़ा पेयर तो ये वाला मैंने एक पेयर बना दिया फिर मैंने ये वाला पेयर बना दिया फिर मैंने ये वाला भी चार का पेयर बना दिया और ये वाला आपका दो का पेयर बन गया ठीक है तो इस तरीके से है तो सबसे पहले ये जो चार का पेयर है इसको देखो वन और जीरो वन और ज़ीरो यानी कि एक्स और वाई का बार ठीक है सॉरी पी फॉर्म है तो क्या आ जाएगा आपका आ जाएगा भाई एक्स बार प्लस सॉरी एक्स प्लस वाई का बार क्योंकि वन और जीरो है ठीक है तो एक्स आ जाएगा वाई का बार आ जाएगा इन टू ठीक है फिर ये वाला देखो क्योंकि और ये तो सारे डिफरेंट है तो ये तो ऊपर वाले तो होंगे नहीं अब ये वाला चार वाला देखो जीरो वन 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 तो यहाँ पर आपकी वाई की वैल्यू सेम है तो वाई प्लस और यहाँ पर ऊपर देखो वन वन यानी कि जेड की, की वैल्यू सेम है तो वाई प्लस जेड हो गया उसके बाद ये चार वाला ये चार वाले में जो है आपका क्या आ जाएगा जेड और डब्लू ठीक है जेड प्लस डब्ल्यू ये आ गया उसके बाद ये दो वाला क्योंकि ये चार वाले तो सारे ही डिफरेंट है अब ये दो वाला देखो ज़ीरो वन वन जीरो सॉरी तो ज़ीरो ज़ीरो यानी कि एक्स का बार सेम है प्लस आपका आ जाएगा जेड uh, जेड बार प्लस डब्लू ठीक है तो ये आ जाएगा काउंट कर लो एक दो तीन चार पाँच सॉरी uh, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ तो कितने लिटरल्स हो गए नाइन लिटरल्स हो गए भी आपके पी ओ एस के अंदर तो यहाँ पर देखो आंसर तो पैस वैसे पहले भी आ गया था लेकिन दोनों ही केस हमने समझ लिए हैं तो यहाँ पर जो है आपका सी ऑप्शन होगा ठीक है ओके नेक्स्ट देखो भाई द बुलियन फंक्शन बुलियन फंक्शन ऑफ एक्स बार वाई बार प्लस एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई इज इक्विवेलेंट टू किसके इक्विवेलेंट होगा ठीक है ध्यान से देखो इस क्वेश्चन को uh, एक्स बार वाई का बार प्लस एक्स वाई प्लस एक्स बार वाई ठीक है तो यहाँ पर जो है हम किसी को कॉमन ले सकते हैं तो यहाँ पर ये वाला और ये वाले में से कॉमन ले सकते हैं तो मैंने एक्स बार को कॉमन लिया तो वाई बार प्लस वाई हो गया ठीक है तो प्लस एक्स और वाई यहाँ से आ गया तो ये आपका वाई बराबर वाई बार प्लस वाई क्या होता है वन के बराबर होता है तो यहाँ से आपका आ जाएगा एक्स बार प्लस एक्स और वाई ठीक है ये आ गया तो अब यहाँ से आप क्या कॉमन लोगे यहाँ से जो है ये जो है आपका एक तरीके से देखो ये आपकी आ, यहाँ पर आप एब्जॉर्शन लोगों लगा सकते हो तो एक्स बार प्लस एक्स हो जाएगा और एक्स बार प्लस वाई हो जाएगा ठीक है तो यहाँ से आ गया आपका एक्स बार प्लस एक्स और एक्स बार प्लस वाई तो ये आ गया ये दो बन जाएंगे ठीक है तो ये आपका वन होता है और एक्स बार प्लस वाई यहाँ पर आपका आंसर होगा तो एक्स बार प्लस वाई यानी कि डी ऑप्शन जो है आपका सही होगा ठीक है ट्वेल्थ क्वेश्चन देखो व्हाट इज़ द मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट्स रिक्वायर टू इंप्लीमेंट इन अ टू इनपुट एक्सक्लूसिव और फंक्शन विदाउट यूजिंग एनी लॉजिक एनी अदर लॉजिक गेट ठीक है तो यहाँ पर जो है आपको मिनिमम नंबर ऑफ नैंड गेट बताने हैं और आपको जो है आ, आ, क्या बना क्या बनाना है एक्जोर गेट बनाना है ठीक है तो एक्सक्लूसिव और यानी कि एक्जोर गेट बनाना है और एक्जोर गेट में आपको नैंड से बनाना है सारे नैंड गेट लगाने हैं तो कितने यूज होंगे ठीक है तो इसके लिए नॉर्मल सी टेबल है भाई याद कर लेना देखो बहुत ही ईजी है देखो ये वाली टेबल बनाते हैं हम इसके लिए तो सबसे पहले आप लिखोगे एंड गेट ठीक है फिर आप लिखोगे और गेट फिर आप सॉरी सबसे पहले लिखोगे नोट गेट फिर लिखोगे एंड गेट फिर लिखोगे और गेट फिर एग्जोर और, और लास्ट में एक्सनोर जहां पर नोर और नोर यानी कि नोर और नोट की बात करी तो वो आपके पहले और आखिरी में हो गए अब उसके बाद देखो यहाँ पर आपने नैंड लिखा यानी कि यूनिवर्सल गेट है नैंड और नोर ठीक है तो जैसे आपने नोट और नोर को लास्ट में लिखा है ऐसे ही आपने नोर को इधर भी जो है लास्ट में लिखा है अब जो नैंड गेट है अगर मुझे नोट गेट बनाना है तो दोनों में वन वन लगेंगे एंड गेट बनाना तो इसको सिंपल जो है दो तीन चार और पाँच लिख दो यानी कि नैंड गेट से अगर मुझे नोट गेट बनाना है तो एक गेट लगेगा नैंड गुट से मुझे अगर एंड गेट बनाना है तो दो गेट लगेंगे नैंड गेट से अगर मुझे और बनाना है तीन गेट लगेंगे नैंड से मुझे अगर एक्जोर बनाना है तो चार लगेंगे और नैंड से मुझे एक्नोर बनाना है तो पाँच लगेंगे ठीक है ऐसे ही नोर गेट से अगर मुझे नोट बनाना है तो एक गेट लगेगा नोर गेट से मुझे एंड बनाना है तो ये जो थ्री है वो यहां पर आ जाएगा यानी कि तीन गेट लगेंगे और नोर से अगर मुझे और बनाना है तो ये जो दो है वो यहाँ पर आ जाएगा ठीक है अब देखो नोर से मुझे अगर एग्जोर बनाना है तो ये फाइव जो है वो यहाँ पर आ जाएगा और नोर से अगर मुझे एग्जोर बनाना है तो ये वाला चार जो है वो यहाँ पर आ जाएगा ठीक है तो इस तरीके से ये है और ये याद रखना भाई बहुत इंपॉर्टेंट है टेबल आप एक बस से बार टेबल याद कर लोगे तो आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है तो क्वेश्चन में पूछा था कि नैंड गेट से आपको एक्जोर गेट बनाना है तो यहाँ पर जो आपके टोटल गेट लगेंगे वो कितने गेट लगेंगे भाई तो, आप चार, मतलब चार तो आपका जो है एक 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 तो आंसर आ जाएगा वो बी ऑप्शन आ जाएगा कि चार जो है गेट से आप क्या बनाओगे सॉरी चार नैंड गेट से आप एक्जोर गेट बनाओगे ठीक है तो यहाँ पर आपका बी ऑप्शन सही होगा हाँ जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखोगे नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है फंक्शन ए बी बार सी प्लस ए बार बी सी प्लस ए बी सी बार प्लस ए बार बी बार सी प्लस ए बी बार सी बार ये बोल रहा है कि ये जो है किसके इक्विवेलेंट है या तो इसको मिनिमाइजेशन करके आप निकाल सकते हो या फिर आप डायरेक्ट के मैप से कर सकते हो तो दोनों ही मैथड देख लेते हैं ताकि जो आपको ईजी लगे वो आप कर सकते हो यहाँ पर तो सबसे पहले देखो के मैप ये यहाँ पर थ्री वेरिएबल का है तो यहाँ पर देखो इस तरीके से के मैप बनेगा ठीक है यहाँ पर ए आ जाएगा यहाँ पर बी आ जाएगा ठीक है तो ये होता है आपका जीरो वन थ्री टू फोर फाइव सेवन सिक्स ठीक है तो ये आपका के मैप होता है तो अब यहाँ पर देखो भाई ये है आपका वन ज़ीरो वन तो वन ज़ीरो वन आपका क्या होता है फाइव यानी कि फाइव पे वन है फिर देखो ए बार ए बार क्या है वन सॉरी ए बार क्या है जीरो और बी सी क्या है वन वन तो ये एक सेकेंड भाई तो बी सी क्या है वन वन तो जीरो वन वन आपका क्या होता है थ्री होता है तो थ्री पे वन है ठीक है फिर देखो ए बी सी बार यानी कि वन वन ज़ीरो यानी कि सिक्स पर वन है ठीक है उसके बाद ए बार बी बार ए बार बी बार सी ए बार बी बार सी तो आपका वन वन ज़ीरो हो गया फिर ए बी बार सी बार तो यानी कि वन ज़ीरो ज़ीरो यानी कि फोर तो ये वन हो गया ठीक है उसके बाद हाँ ये चार टर्म है दो तीन पाँच पाँच है भाई तो एक दो तीन चार और पाँच तो देखो ठीक है तो एक दो तीन चार चार जगह हमने लिखा है फोर की जगह लिखा है सिक्स की जगह लिखा है थ्री की जगह लिखा है और फाइव फाइव की जगह लिखा है और क्या रह गया अभी हमारा वन 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 जीरो वन ज़ीरो वन 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 ज़ीरो जीरो जीरो वन, वन यानी कि वन पर तो ये तो ये पाँच हो गए ठीक है थेके? अब इसके जो अगर हम ग्रुप ग्रुपिंग करेंगे तो ग्रुपिंग कैसे करेंगे भाई अगर मुझे इसकी ग्रुपिंग करनी हुई तो क्या हो आपके कैसे होंगे दो दो के पेयर एक तो ये वाला पेयर बन जाएगा ठीक है क्योंकि अगर ऐसे ऐसे करते तो यहाँ नीचे होना चाहिए था इसको इसको कर सकते हैं और इसको और इसको कर सकते हैं तो ये वाले यहाँ पर तीन ग्रुप बने ठीक है अब जो आपने ये वाला ग्रुप किया है तो इसका यहाँ से क्या आएगा भाई तो दूसरा ले लेते हैं ठीक है अब देखो ये वाला इस वाले का तो इस वाले का क्या हो जाएगा ये हमारा यहाँ पर ए बार था और ये ए था ठीक है अब यहाँ पर मेरा B बार C बार B C बार B C और B B C बार ठीक है ये है ठीक है वन ज़ीरो तो अब देखो यहाँ पर ये दो तो ये A बार तो होगा ही क्योंकि A बार तो सेम है अब देखो B बार C और B C तो क्या क्या कॉमन है इसमें C तो A बार C हो गया यहाँ से तो A बार C जहाँ पर भी ऑप्शन में हो देख लेना A बार सी ठीक है अब देखो सेकंड, सेकंड में क्या हो रहा है ये ये दो तो यानी कि यहाँ से क्या हो गया बी बार बी बार कॉमन है तो यहाँ से बी ए बी बार प्लस ए बी बार ठीक है अब ये वाला और ये वाला अब इसमें देखो इसमें क्या है ए बार तो होगा ही ए बार तो सॉरी ए तो होगा ही ठीक है अब ऊपर देखो ये बी बार सी बार और ये बी सी बार तो यहाँ पे क्या हो जाएगा सी बार तो ए बार सी बार ए बी बार तो यहाँ पर देख लो भाई hmm, क्या था भाई हमारा क्या आया था नेक्स्ट में देखते हैं तो ए बार सी आया था और ए सी बार आया था और ए बी आया था ठीक है तो हमारा तो ए बी तो नहीं आया भाई एक सेकेंड हमने कुछ गलत किया है क्या uh, इसको हम फिर से इधर से करके देखते हैं हमने ये वाला के माप लिया था ठीक है और ये और ये तो यहाँ पर जो है फाइव पर था ज़ीरो वन थ्री टू फोर फाइव सेवन सिक्स तो फाइव पर वन था थ्री पर वन था वन पर वन था ठीक है उसके बाद वन वन ज़ीरो फोर पर वन था सिक्स पर वन था और वन जीरो ज़ीरो तीन चार पाँच हो गए ठीक है तो हमने ये ये वाला पेयर बनाया था और ये वाला पेयर बनाया था और आपका एक ये वाला पेयर बनाया था और एक ये वाला पेयर बनाया था और ये वाला वन तो आपका फिर भी रह ही गया है ना तो हमने पेयरिंग गलत कर दी मतलब हमने शायद ये टू पे यहाँ पर वन लिख दिया था ठीक है तो एक सेकेंड भाई इसको मैं फिर से ही करवाती हूँ आपको ना फिर से करते हैं अच्छे से इतनी बार कर लिया क्योंकि ये यहाँ पे इरेज हो रहा है ना बार बार इसलिए दिक्कत आ रही है एक दो तीन चार बोर्ड पे अच्छे से क्लियर होते हैं क्वेश्चन ना तो ए बार ए और, और बी C बार सी बार बी बी बार सी बी सी और बी सी बार यही होता है ठीक है तो ये ज़ीरो है ये वन है ये टू है ये थ्री है ये फोर है सॉरी ये यहाँ पर थ्री आ जाएगा यहाँ पर टू आ जाएगा यहाँ पर फाइव है यहाँ पर सेवन और यहाँ पर सिक्स है ठीक है तो अब यहाँ पर देखो सबसे पहले है आपका आ, ए बी बार सी ठीक है तो सबसे पहले आप जहाँ पर वन वन लिखोगे जहाँ पर आपने वन वन लिखा वो आपका होगा वन ज़ीरो वन यानी कि फाइव पर आपने वन लिखा ठीक है फिर आपका है वन वन जीरो यानी कि थ्री की, की जगह लिखा फिर है आपका सिक्स की जगह आपने वन लिखा फिर है फोर की जगह और फिर आपने वन की जगह लिखा ये है भाई ठीक है तो इसकी पेयरिंग ऐसे ऐसे और ये ऐसे और ये ऐसे ठीक है ये ग्रुप बन गए अब देखो फिर से अब यहाँ पे अगर मैं लिखूँ तो एक और अलग कलर ले लेते हैं ताकि अच्छे से समझ में आ सके तो ये वाला ये तो ए तो होगा ही ठीक है अब ऊपर से देखो ऊपर से क्या होगा बी बार होगा ए बी बार आ गया ठीक है प्लस अब यहाँ से देखो ए बार तो होगा ही अब ऊपर से क्या आ जाएगा हमारा सी आ जाएगा ठीक है अब यहाँ से देखो ए तो होगा ही और यहाँ से मेरा क्या आ जाएगा सी बार आ जाएगा तो ये है भैया आपका आंसर ए बी बार प्लस ए बार सी ए बी बार ए सी बार और ए बार सी तो यानी कि बी ऑप्शन जो है आपका यहाँ पर सही होगा ठीक है तो एक तो मैथड ये के मैप से जो कि हम काफ़ी जो है यहाँ पर लिखने की वजह से जो है प्रॉब्लम हो रही थी एक मैथड ये है कि डायरेक्ट जो है इसको आप सॉल्व कर लो ठीक है तो डायरेक्ट कैसे सॉल्व करोगे देखो कॉमन का इसमें इसमें क्या है इसमें कॉमन क्या है ए बी बार सी तो यहाँ पर क्या कॉमन है बी सी तो नहीं ये तो नहीं होगा तो ए सी कॉमन किसमें है ए सी कॉमन इसमें है भाई इसका और इसका पेयर बना लेते हैं तो यहाँ पर देखो नहीं नहीं यहाँ पर भी नहीं है या फिर ए बी बार किसमें कॉमन है ए बी बार इसमें कॉमन है ठीक है तो ए बी बार कॉमन ले लेते हैं सी प्लस सी बार आपका यहाँ से हो जाएगा ठीक है तो ए बी बार तो यहाँ से आ गया क्लियर है अब देखो ए बार बी ए बार बी किसी में कॉमन है ए बार सी किसी में कॉमन है इसमें है तो ये वाला पेयर और ये वाला पेयर हो जाएगा ठीक है तो अब सेकेंड पेयर है आपका अच्छे से देख लो सेकेंड पेयर है आपका ये वाला और ये वाला ठीक है तो यहाँ पर आप कॉमन लोगे ए बार सी और यहाँ पर अंदर रह जाएगा आपका बी प्लस बी बार तो ये जो होते हैं ये आपके किसके बराबर होते हैं वन के बराबर अब आपका क्या बचा भाई ये बचा ए बी सी बार ठीक है तो ए बी सी बार तो यहां से आप देख लो भाई यहाँ पर हम एक से कॉमन ले सकते हैं इसको आ, किसी भी टर्म से आप कॉमन ले लेना इसको तो ये भी जो है आपका यहाँ पर वो हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से जो आप इसको निकाल सकते हो तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा भाई बी ऑप्शन ठीक है सेवनटीन क्वेश्चन देखो भाई सेवेंटीन क्वेश्चन में क्या बोल रहा है सेवनटीन क्वेश्चन में बोल रहा है कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट कंसीडर द फॉलोइंग सर्किट एक्स वाई जेड और एफ ठीक है तो ये आपका क्या लगा हुआ है भाई नैंड गेट लगा हुआ है और ये भी आपका क्या है नैंड गेट है और ये भी आपका क्या है नैंड गेट है ठीक है क्यों क्योंकि पीछे क्या है एंड गेट के नोट लगाए तो नैंड गेट बन गया तो इसमें से बोल रहा है कौन सा जो है वो ट्रू है तो देखो यहाँ पे जो है आपके आउटपुट देख लो भी क्या क्या बनने वाली है वाई बार जाएगा देखो यहाँ से एक्स गया है तो यहाँ से वाई बार क्योंकि वाई के आगे क्या लगा दिया नोट लगा दिया तो एक्स वाई का बार और पूरे का क्या हो जाएगा होल बार हो जाएगा क्योंकि नोट जो है नैंड गेट है नॉर्मल एंड होता तो हम यही लिखते फिर अब यहाँ से क्या हुआ अब यही ये, ये वाली जो आउटपुट है वो यहाँ पर आ गई ठीक है वाई और जेड यहाँ पर इसका बार हो गया फिर हम यहाँ पर जाएंगे तो हम इस पूरे का प्लस कर सॉरी पूरे का क्या कर देंगे होल बार कर देंगे ठीक है तो जब आप इस तरीके से इसको सॉल्व करोगे ना तो यहाँ पर आपका जो आंसर आएगा वो ये आएगा कि जो एक्स वाई जेड वो रिटेंडेंट नहीं है ठीक है या तो आप इसको के मैप से भी कर सकते हो और डायरेक्ट भी जब आप इसको करोगे ना तो ये जो है वो आपके रिटेंडेंट नहीं होंगे यहाँ पर देखो भाई देखो यहाँ पर आपका एक्स वाई बार एक्स का पूरे का बार आ गया और यहाँ पर आपके वाई जेड का बार आ गया जब हम यहाँ पर जाएंगे तो दोनों के ऊपर होल बार आ जाएगा यही बताया था मैंने और जब आपकी यहाँ पर जो आउटपुट आएगी वो ये आएगी एक्स वाई का बार और प्लस वाई जेड ठीक है अगर आप इसको के मैप से देखो या तो डायरेक्ट ही यहाँ पर ये इसका आंसर आ गया क्योंकि आप इसको फर्दर जो है वो रिडेंडेंट नहीं है जो आपके एक्स वाई और जेड की वैल्यू है वो रिडेंडेंट नहीं है आप इनको और आगे मिनिमाइज़ नहीं कर सकते ठीक है और या फिर आप के मैप से भी कर सकते हो अगर के मैप से करोगे इसको तो देखो यहाँ पर जेड की कमी है तो जेड से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पर एक्सी की कमी है तो एक्स से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये जो है आपके पास वेरिएबल आ गए तो थ्री का है तो थ्री वेरिएबल का हम के मैप बनाएंगे तो यहाँ पर थ्री वेरिएबल का जब आपने के मैप बनाया है तो यहाँ पर वन वन जो है वो आपका एक तो यहाँ पर आ गया वन टू थ्री सॉरी जीरो वन थ्री टू फोर फाइव सेवन और सिक्स यानी कि फोर फाइव सेवन और जो है थ्री की जगह यहाँ पर वन है तो इन दो के पेड़ बनाए तो के मैप भी आपका यही आया जो वैल्यू आपकी यहाँ पर जो इसको एफ़ की वैल्यू आई थी वही आपकी के मैप की वैल्यू आई है यानी कि एक्स वाई जेड की वैल्यू जो है वो रिटेंडेंट नहीं है आप उनको फर्दर जो है वो मिनिमाइज़ नहीं कर सकते तो आपका जो आंसर आएगा वो डी ऑप्शन आएगा ठीक है थोड़े लेंदी क्वेश्चन है लेकिन समझ जाओगे तो बहुत ही ईजी है अब देखो स्विचिंग एक्सप्रेशन कॉरस्पॉन्डिंग टू दिस तो जो है आपको इसका भी जो है के मैप बनाना है और उसको के मैप के थ्रू ही आप सॉल्व करोगे तो ये यहाँ पर आप देख सकते हो बारह तक जा रहा है तो ऑब्वियसली ये जो के मैप बनेगा ये आपका फोर वेरिएबल का बनेगा ठीक है तो यहाँ पर के मैप बना रखा है तो देखो ये फोर वेरिएबल का के मैप है ए बी और सी डी तो यहाँ पर आपका होता है वन ये होता है टू ये होता है थ्री ये होता है सॉरी फिर से मैंने गलत लिखा ये होता है आपका जीरो ये होता है वन ये होता है थ्री ये होता है टू ये होता है आपका फोर ये होता है फाइव ये होता है सिक्स सॉरी ये होता है सेवन और ये होता है सिक्स ये होता है एट नाइन इलेवन टेन ट्वेल्व थर्टीन फिफ्टीन और फोर्टीन ये होता है ठीक है अब देखो वन की जगह जो है आपका वन है फिर फोर की जगह वन है ठीक है और फिर जो है आपका फाइव की जगह वन है फिर जो है आपका नाइन की जगह वन है यानी कि वहाँ पर वन है फिर आपका जो है इलेवन की जगह बना है फिर आपका की जगह यानी कि यहाँ पर वन है तो टोटल जो है है आपके एक दो तीन चार पाँच छः दो यहाँ पे दो यहाँ पे दो यहाँ पे ठीक है अब देखो आपने एक किसका पेयर बनाया एक किसका पेयर बनाया और एक किसका पेयर बनाया तो जब इसका पेयर बनाया तो यहाँ पर देखो यहाँ पर इस किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पर पेयर बना तो देखो ए और बी की वैल्यू तो सेम है यानी कि ए यहाँ पर भी जीरो है और यहाँ पर भी जीरो है लेकिन बी की वैल्यू यहाँ पर जीरो यहाँ पर वन है तो हम जो है सेम वैल्यू को लेते हैं यानी कि ए बार आ जाएगा ठीक है अब यहाँ पर देखो यहाँ पर तो कुछ डिफरेंट है नहीं तो ये तो लेंगे ही तो ये हो जाएगा आपका सी बार डी क्लियर है भाई अब देखो ये आ गया आपका अब ये सेकेंड वाला देखो सेकेंड वाले में जो आएगा सेकेंड वाले में ये देखो आपका यहाँ पर देखो आपकी ए की वैल्यू तो डिफरेंट करें यानी कि जीरो और वन लेकिन बी की वैल्यू क्या है सेम है यानी कि बी है तो या प्लस करके आप बी लिखोगे और फिर जो है यहाँ पर क्या आ जाएगा सी बार डी बार क्योंकि ये आपका सेम है ठीक है फिर प्लस करके ये जो थर्ड वेरिएबल है इसको देखेंगे तो थर्ड में आपका क्या हो रहा है थर्ड देखो यहाँ पर देखो ज़ीरो वन ये डिफरेंट है जीरो वन डिफरेंट है ये वन वन सेम है तो वन वन आपका क्या आ जाएगा डी आ जाएगा ठीक है और यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका ए ए पर क्योंकि ए पर क्या है वन और बी पर जीरो है तो हम क्या लगा देंगे बी बार लगा देंगे तो ये जो है आपका यहाँ पर आंसर आएगा ठीक है तो इस तरीके से जो है आपका यहाँ पर ये यह आंसर हो जाएगा तो अब क्वेश्चन पर आ जाते हैं तो जो जो मैच हो रहा है वही आपका आंसर होगा ठीक है तो आपका आंसर होगा भाई यहाँ पर ए ऑप्शन यानी कि बी सी बार डी बार ए बार सी बार डी प्लस ए बी बार डी तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल सही होगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई ट्वेंटी क्वेश्चन ट्वेंटी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन देख के कन्फ्यूज मत हो जाना बहुत ईजी क्वेश्चन होते हैं ऐसे क्वेश्चन क्सिडर अ बुलियन फंक्शन आपको जो एक बुलियन फंक्शन को कंसिडर करना है चार वेरिएबल्स का है सपोज दैट एक्जैक्टली वन ऑफ इट्स इनपुट इज अलाउड टू चेंज एट एट टाइम ठीक है इफ़ द फंक्शन हैपन टू बी ट्रू फॉर टू इनपुट डब्ल्यू ए वन एक्स वन वाई वन डब्ल्यू राइट टू आपका ये है वी वुड लाइक द फंक्शन टू रिमेन ट्रू एज द इनपुट चेंजेस आई वन टू आई टू और आई वन एंड आई टू डिफर एग्जैक्टली वन बट पोजिशन विद विदाउट बिकमिंग फॉल्स मोमेंटली लेट टू डब्ल्यू एक्स वाई जेड ठीक है कवर एफ मतलब जो ये आपकी जो वैल्यू है इसको जो है कवर करे ये जो आपका एफ है ठीक है तो देखो यहाँ पर ऑप्शन के थ्रू करो भाई ये देखो ये जो ए ऑप्शन है ए ऑप्शन में पहले डब्लू बार है तो वन जीरो जीरो हो जाएगा ठीक है वन जीरो जीरो क्या होता है आपका हाँ डब्लू बार एक्स वाई वाई का है वाई इसके अंदर दे नहीं रखा ठीक है तो वाई दे नहीं रखा तो हम यहाँ पर क्या लगाएंगे एक सेकेंड भी मैंने गलत लिख दिया आ, देखो ये होता है डब्लू बार एक्स वाई जेड ठीक है तो यानी कि y बार नहीं है तो y हम क्या लेंगे जीरो वन जीरो वन ठीक है तो ये क्या बन गया आपका जीरो वन जीरो वन क्या होता है फाइव तो फाइव क्या इसके अंदर है 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 भाई ठीक अब देखो डब्ल्यू एक्स वाई ठीक है तो जेड नहीं है तो डब्लू एक्स वन वन हो जाएगा वाई बार जीरो हो जाएगा और जेड भी आपका क्या हो जाएगा जीरो सो तो ग्यारह सो आपका क्या होता है बारह तो क्या बारह है इसके अंदर है भाई फिर देखो एक्स बार सॉरी एक्स वाई बार जेड ठीक है तो w नहीं है तो w का जीरो हो जाएगा x का आपका वन है जीरो y का बार जीरो हो जाएगा Z आपका क्या हो जाएगा वन तो अगेन फाइव है तो ये भी है अब देखो एक्स वाई जेड एक्स वाई जेड आपका क्या कह रहा है एक्साइड ये यानी कि जीरो वन वन तो जीरो वन वन आपका क्या होता है सेवन होता है तो सेवन है भाई सेवन है फिर देखो डब्लू वाई जेड डब्लू वाई जेड यानी कि डब्लू वन है फिर जीरो है वाई और जेड ये हैं ठीक है ठेके? तो वन आ, वन ज़ीरो वन 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 ज़ीरो वन वन आपका क्या होता है एक हज़ार आठ होता है एक हज़ार एक नौ होता है एक हज़ार दस जो है आपका दस होता है एक हज़ार ग्यारह जो है वो आपका ग्यारह होता है ठीक है तो ये आपका इलेवन आ जाएगा तो ये भी है ठीक है तो ये सारे के सारे जो इसके अंदर जो वैल्यूज़ हैं ए के अंदर क्या वो इसके अंदर सेटिस्फाई कर रही हैं सारी सेटिस्फाई कर रही हैं ठीक है अब देखो ऑप्शन बी में ऑप्शन बी में देखो ऑप्शन बी में है आपका डब्लू वन एक्स वन वाई वन और जो है जेड आपका क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा तो ग्यारह सौ क्या बनता है आपका फोर्टीन क्या फोर्टीन है इसके अंदर नहीं है तो ये आपका फॉल्स हो जाएगा फिर सेकेंड ऑप्शन देखो भाई डब्लू बार जीरो एक्स क्या है वन uh, और फिर वाई क्या है ज़ीरो जेड क्या है वन तो ये आपका फाइव है ये तो है भी लेकिन पहली स्टेटमेंट नहीं आई फिर से सेकंड देखो भी थर्ड ऑप्शन देखो डब्ल्यू वन एक्स जीरो वाई वन तो ये भी है लेकिन ये जो फोर्टीन है ये तो नहीं है लेकिन सारी की सारी वैल्यू होनी चाहिए तो इसलिए बी ऑप्शन भी नहीं होगा ऐसे ही सी और डी भी चेक करोगे तो ये भी नहीं होंगे तो यहाँ पर ए ऑप्शन आपका सही है क्योंकि ये जो वैल्यू दे रखे हैं वो सारी की सारी आपकी ए में भी है ठीक है कोई भी डिफरेंट वैल्यू नहीं है क्लियर है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई कंसीडर द फॉलोइंग बुलियन फंक्शन बुलियन फंक्शन बताना है आपको अगेन चार वेरिएबल का आपका के मैप बनेगा बताना है इंडिपेंडेंट ऑफ वन वेरिएबल है इंडिपेंडेंट ऑफ टू है थ्री है या ऑल ऑफ वेरिएबल है यानी कि चारों के चारों वेरिएबल वेरिएबल पर इंडिपेंडेंट है तो के मैप बना लो ये के मैप बना दिया भाई ये आपका की मैप है ठीक है hey? यहाँ से एक की मैप बन गया तो की मैप आपका देखो ये एक तो एक तो ये चार का पेयर हो गया और एक आपका ये वाला चार का पेयर हो गया ठीक है अब देखो ये वाला चार का पेयर है तो इसमें देखो जीरो वन और वन वन तो यहाँ से आपका क्या आ गया एक्स आ गया ठीक है और ऊपर से देखो जीरो, जीरो और वन जीरो तो यहाँ से आपका क्या आ जाएगा सॉरी जेड बार आ जाएगा तो एक्स जेड बार प्लस यहाँ से देखो यहाँ से आपका क्या आ रहा है भाई ज़ीरो वन और वन वन तो यानी कि जेड की, की वैल्यू सेम है तो जेड आ जाएगा और नीचे देखो यहाँ यहाँ पर देखो ज़ीरो जीरो और यहाँ पर वन ज़ीरो यानी कि किसकी वैल्यू सेम है आपकी एक्स की वैल्यू सेम है यानी कि एक्स बार तो देखो ये आ रहा है तो ये जो आपका के मैप है वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है भाई दो वेरिएबल के क्योंकि आपकी दो ही वेरिएबल है यहाँ पर भी एक्स जेड आ रहा है और यहाँ पर भी जेड एक्स आ रहा है तो दो ही वेरिएबल के ऊपर डिपेंडेंट जो है डिपेंडेंट है इंडिपेंडेंट है तो यहाँ पर आपका आंसर आ जाएगा इंडिपेंडेंट ऑफ टू वेरिएबल क्योंकि दो ही जो वेरिएबल्स आए हैं यहाँ अगर तीन वेरिएबल आते तो तीन लिखते अगर चार आते तो आप ऑल पर ही टिक कर देते ठीक है अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है ए डी बार प्लस ए बार सी बार प्लस बी सी बार डी ठीक है तो ये आपके पास क्वेश्चन है ये आपके पास एक्सप्रेशन गिवन है तो यहाँ पर आपको के मैप बताना है कौन सा की कौन सा के मैप यहाँ पर सही है ठीक है तो के मैप बताओ भी कौन सा सही होगा यहाँ पर तो ये क्वेश्चन जो है आप ये जो है आपका चार का ही है मतलब ए बी सी डी चारों वेरिएबल हैं तो वही सिक्सटीन वाला के मैप बनेगा तो यहाँ पर देखो यहाँ पर जो है आपका बी और सी नहीं है तो वही बी बार सी बार से मल्टीप्लाई करोगे और इनको जो है देखोगे कि कहाँ पर जो है आपके वेरिएबल सेम हो रहे हैं ठीक है तो यहाँ से जो आपका आंसर आ जाएगा भाई वो ए ऑप्शन ही होगा आप इसको करके देख लेना क्योंकि तो इतने सारे क्वेश्चन हमने कर लिए आई होप आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर पाओगे ठीक है फिर भी कोई डाउट हो तो बता देना अदरवाइज हम फिर बोर्ड पर इस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे ठीक है तो देखो ए यहाँ पर बी और सी नहीं है तो बी बार प्लस बी प्लस बी बार से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और सी प्लस सी बार से मल्टीप्लाई करेंगे ऐसे यहाँ पर बी नहीं है और ऐसे ही यहाँ पर ए नहीं है इस तरीके से सारे वेरिएबल निकालेंगे और फिर जो है उनकी वैल्यू हम यहाँ पर पुट करके देखेंगे जो जो मैप जो मैप जो है मैच कर जाए वही आपका आंसर होगा ठीक है तो यहाँ पर देखो <coughs> इस तरीके से इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे भाई तो यहाँ पर ये ज़ीरो ज़ीरो है ये जीरो वन है और जो जहाँ जहाँ पर आपकी वैल्यू आ जाएंगी वो आपका आंसर होगा ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है अगेन आपका फोर मैप uh, जो है के मैप है और विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द इक्विवेलेंट कि इसमें से कौन सी ऐसी है जो इसके इक्विवेलेंट नहीं है ठीक है तो इक्विवेलेंट नहीं है बताना है तो देखो अगेन वही है के मैप बना लो के मैप बना लिया तो ये यहाँ पर चार का पेयर बन गया एक यहाँ पर बन गया और एक यहाँ पर बन गया तीन एक्सप्रेशन आपकी यहाँ पर बन रही हैं ठीक है ठेके? तीन एक्सप्रेशन बन रही हैं तो आप क्या करोगे कि जो चारों के चारों ऑप्शन है उसमें जो है वैल्यूज रख कर देखोगे वैल्यू रख के देखोगे भाई तो वैल्यू यहाँ पर देखो W की वैल्यू वन है X की वैल्यू वन है और Y की वैल्यू वन है और Z की वैल्यू वन है यानी कि हमने मैथ हमने कंसीडर किया कि जो आपके एक्स वाई जेड है सबकी वैल्यू क्या है वन 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 है ठीक है तो उसके अकॉर्डिंग अगर सबका आंसर जो है मैच कर जाता है मतलब यहाँ पर देखो ये चारों ऑप्शन है तो देखो एक्स की वैल्यू वन वाई की वन जेड की वन और डब्ल्यू की वन तो एक्स बार क्या हो जाएगा ज़ीरो वाई बार क्या हो जाएगा जीरो और जेड बार क्या हो जाएगा ज़ीरो प्लस डब्ल्यू बार जीरो एक्स क्या हो जाएगा वन जेड बार क्या हो जाएगा जीरो ठीक है तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे जीरो ही आएगा प्लस वाई ज़ीरो सॉरी वाई वन एक्स बार ज़ीरो और जेड आपका वन प्लस एक्स और जेड वन वन ठीक है तो यानी कि देखो ये तो सारे आपके जीरो हो जाएंगे लेकिन वन वन आपका क्या होगा वन होगा तो यहाँ से आपका आंसर क्या आ जाएगा वन आ जाएगा ठीक है सेकेंड ऑप्शन में रख के देखो भाई सेकेंड ऑप्शन में uh, यहाँ पर देखो वाई बार वाई बार जीरो एक्स बार जीरो जेड बार जीरो फिर उसके बाद है डब्लू वन एक्स बार जीरो और वाई बार जीरो तो यहाँ पर भी आपका एक्स और जेड वन वन है तो यहाँ पर भी आपका ये तो दोनों जीरो हो जाएंगे लेकिन ये वाला आपका यहाँ से वन दिलवा देगा ठीक है सी ऑप्शन देखो सी uh, ऑप्शन में क्या बोल रहा है डब्लू बार जो है ज़ीरो है और वाई बार जो है वो जीरो है डब्लू जेड बार भी जीरो है ठीक है उसके बाद डब्लू आपका वन है एक्स बार जीरो और ज़ीरो ठीक है फिर आपका एक्स वाई जेड तो एक्स वाई जेड है तो यहाँ से भी आपका क्या आ जाएगा वन आ जाएगा क्योंकि बाकी तो जीरो हो जाएंगे लेकिन एक्स वाई जेड आपका क्या बन जाएगा वन बन जाएगा तो देखो इसका भी आंसर वन आ रहा है इसका भी वन आ रहा है इसका भी वन आ रहा है तो डी ऑप्शन देखो डी को भी चेक करेंगे क्या इसका भी वन आएगा तो एक्स बार जीरो वाई बार जीरो और जेड बार जीरो ठीक है उसके बाद डब्लू वन एक्स बार जीरो वाई बार जीरो फिर उसके बाद ई बार जीरो और एक्स बार वन तो देखो इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जीरो आएगा इसकी मल्टीप्लाई करेंगे जीरो यानी कि ये जीरो आएगा और बोल रहा है कि नॉट इक्वेलेंट टू एफ कि एफ के बराबर नहीं है तो ये तीनों तो वन आ रहे हैं ठीक है तो ये तो होंगे लेकिन डी ऑप्शन में आउटपुट आपको जीरो मिल रहा है यानी कि डिफरेंट आउटपुट मिल रहा है तो आपका जो आंसर होगा वो डी ऑप्शन होगा ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहे हैं न लुक अहेड कैरी जनरेटर द कैरी जनरेट फंक्शन जी आई एंड द कैरी प्रोबोगेट फंक्शन पी आई फॉर इनपुट ए आई एंड बी आई आर गी वन बाई पी आई इज इक्वल टू ए एक्जोर बी एंड जी आई इज इक्ल टू ए बी ठीक है तो एक्सप्रेशन यहाँ पर दे रखे है सम बिट एस वन एंड कैरी बिट सी ऑफ द लुक अड कैरी एडर आर गी वन बाई दिस ठीक है तो यहाँ पर आपको आंसर बताना है कंसीडर अ टू लेवल लॉजिक इंप्लीमेंटेशन ऑफ लुक हैड कैरी जनरेटर एंड अज्यूम दैट ऑल पी आई एंड जी आर कैरी जनरेटेड सर्किट ऑफ एंड और और गेट ठीक है एंड और और गेट आपको लगाना है तो यहाँ पर देखो भाई आपने जो है पहले में क्या किया आपने एक एंड और एक और गेट लगाया फिर सेकेंड में जो है आपने दो एंड और एक और गेट लगाया तीसरे में आपने तीन एंड और एक और गेट लगाया चौथे में आपने जो है अगर आप थ्री ले लो तो आपके चार चार एंड गेट और एक और गेट लगेगा तो एंड गेट तो गे आपके टोटल यहाँ पर कितने हो गए भाई दस मतलब एक दो तीन चार एक चार और तीन सात और दोनों और एक दस ठीक है तो दस आपके एंड गेट हो गए और आपके और गेट कितने हुए चार ठीक है तो एंड गेट निकालने का फॉर्मूला क्या होता है एन इन टू एन प्लस वन बाई टू ठीक है और आपका एंड जो और गेट का क्या होता है एन तो एन कितने हैं चार तो यहाँ पर आपका आंसर देख लो भी क्या हो जाएगा ठीक है दस और चार यानी कि बी ऑप्शन आपका सही होगा नेक्स्ट क्वेश्चन देखो मैप आप आपको बताना है और यहाँ पर एक्स डी डोंट केयर कंडीशन एक्स जो है वो आपकी डोंट केयर कंडीशन है तो निकाल दो भी कैसे करोगे डोंट केयर कंडीशन को भी हम करते हैं तो यहाँ पर देखो तो ये वाला बन जाएगा ठीक है और एक आपका जो है इसको और इसको ठीक है तो ये और ये बन जाएगा ठीक है और इसको या तो इसके साथ कर लो या इसके साथ कर लो या फिर इन दोनों को भी अलग अलग कर लो ठीक है तो इस तरीके से आप जो है बना सकते हो तो यहाँ पर देखोगे आपने बना दिया एक ये और एक ये बना दिया और एक ये बना दिया और एक ये बना दिया ठीक है या फिर जो है आप चारों को भी बना सकते हो कोई इशू नहीं है तो जब आप इसको करोगे ना सॉल्व करोगे तो आपका जो आंसर आएगा वो ए बार डी बार और बी बार डी बार आएगा ठीक है तो काफ़ी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं अब आपको समझ में आ गए होंगे तो यहाँ पर आपका ए ऑप्शन सही होगा भाई ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई एफ़ वन और एफ थ्री और एफ़ ठीक है वही क्वेश्चन है जो हमने पहले भी किए हुए हैं तो यहाँ पर जो आपको वैल्यू निकालनी है वो एफ़ टू की निकालनी है इस एफ़ टू की आपको यहाँ पर वैल्यू फाइंड आउट करनी है ठीक है तो बोल रहा है ये आपका देखो एफ़ वन और एफ टू एफ़ टू का एंड हुआ उसके बाद जो है आपने एफ़ थ्री के साथ उसको और किया तो आपने आपने बोला एफ क्या आया ठीक है ठीके? तो यहाँ पर देखो एफ़ वन आपका क्या है फोर फाइव सिक्स सेवन एट एफ वन की वैल्यू क्या है फोर फाइव सिक्स सेवन एट ठीक है और एफ़ की वैल्यू क्या है एक छः आठ और पंद्रह और यहाँ पर एफ़ थ्री क्या है आपका एक छः और पंद्रह ठीक है तो देखो मिसिंग क्या है भाई एफ टू में मिसिंग क्या है एट मिसिंग क्या है एट ठीक है तो यहाँ पर जो आपकी वैल्यू होगी वो देखो चार पाँच छः सात आठ चार पाँच छः सात आठ यहाँ पर वैल्यू है आपकी और एफ थ्री में जो वैल्यू है वो एक छः पंद्रह और फाइनल जो आउटपुट है वो आपकी एक छः और आठ है ठीक है तो आपका जो यहाँ पर आंसर होगा वो क्या होगा मतलब चार और छः होगी ठीक है क्योंकि चार और छः तो नहीं हो सकता क्योंकि अगर चार कॉमन आ गया तो फिर लास्ट में जो है आपका आउटपुट में भी जो है चार होना चाहिए लेकिन आउटपुट में तो चार नहीं है फिर उसके बाद चार और आठ अगर चार और आठ ले लेते हैं तो जो है आपका एफ वन और एफ टू को मिला के आपको चार और आठ मिलेगा ठीक है लेकिन जो हमारी उसमें है नहीं है तो फिर जो आपका यहाँ पर जो आंसर आएगा देखो ये देखो भाई यहां पर मैंने लिया एक पंद्रह ठीक है मैंने एक पंद्रह लिया तो चार पाँच छः सात आठ ठीक है चार पाँच छः सात आठ है इसके अंदर और मैंने जो है एफ़ टू में क्या लिया एक छः पंद्रह ठीक है और एक छः पंद्रह जो है आपका क्या है भाई एफ़ थ्री है और आपका आउटपुट क्या मिल रही है एक छः आठ और पंद्रह ठीक है तो अब मैंने यहाँ पर क्या किया आ, चार पाँच छः सात आठ मैंने क्या लिया छः और एट लिया क्यों भाई क्योंकि अगर मैं चार भी लेती तो आपका आउटपुट में चार भी आना चाहिए था लेकिन आउटपुट में चार नहीं है और आउटपुट में आपका क्या है छः है ठीक है तो छे और आठ है तो हम जो है यहां पर क्या लेंगे छ और आठ लेंगे ताकि कॉमन जो है वो आपका छे और आठ आ सके और जब आप इसके साथ करो तो आपका एक छ आठ पंद्रह आ सके तो यहां पर आपका आंसर क्या हो जाएगा भाई सी ऑप्शन ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखो व्हाट इज द मिनिमल फॉर्म ऑफ के मैप एज्यूम एक्स डिनोट डोंट केयर तो वही है आपको जो है मिनिमल बताना है तो मिनिमल बताना है तो वही है ज्यादा से ज्यादा पेयर बनाने की कोशिश करो ये और ये चार का पेयर बन जाएगा ये और ये चार का पेयर बन गया और यहाँ से एक ये पेयर बन गया आपका ठीक है तो इस तरीके से आप पेयर बना सकते हो तो देख लो भाई क्या होगा भाई ये आपके पेयर बन गए तो जीरो और वन यहाँ पर क्या है सी बार है और ऊपर क्या है भाई आपका जीरो मैच कर रहा है यानी कि बी बार है ठीक है उसके बाद सी बार बी बार कहीं पर है एक यहाँ पे और एक यहाँ पे तो यहाँ पे यहां इन दोनों को करेंगे तो इनसे क्या आ जाएगा आपका वन जीरो तो ये तो होगा ही होगा तो वन जीरो होगा तो फिर सी डी बार और फिर यहाँ ऊपर से क्या आ जाएगा अभी आपका जीरो वन और वन जीरो यानी कि बी ठीक है तो इस तरीके से जो है आपका आंसर आ जाएगा तो उसके साथ जो है आप ठीक है तो यहाँ से भाई आपने पेयर बना लिए पेयर देखो भाई ये वाला पेयर बनाया था ये वाला यानी कि ये चार चार का पेयर हो गया और ये वाला और ये वाला पेयर बन गया है ना तो अब यहाँ पर हमारा क्या आंसर आ रहा था यहाँ पर हमारा सी बार आ रहा था और यहाँ से मेरा क्या आ रहा था ऊपर वाले से ज़ीरो था यानी कि बी बार आ रहा था ठीक है यही था सी बार बी बार अब नीचे वाले से देखो नीचे वाले से क्या आ रहा था भाई ए और ये पेयर तो यहाँ पर जो है आपका क्या आ रहा था सी डी बार और ऊपर से क्या आ रहा था आपका मतलब ये चार चार की पेयर आप इस तरीके से बना सकते हो तो यहाँ से भी आपका क्या आ जाएगा डी बार आ जाएगा और यहां से भी आपका क्या आ जाएगा बी बार आ जाएगा तो ये जो है आपका आंसर होगा यानी कि बी ऑप्शन आपका यहां पर सही होगा ठीक है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई द टोटल नंबर ऑफ प्राइम इंप्लीकेंट्स ऑफ कितने आपके जो है यहाँ पर प्राइम इंप्लीकेंट्स होंगे तो प्राइम इंप्लीकेंट्स देख लो भाई आप के मैप बना लो और आपको जो है प्राइम इंप्लीकेंट्स मिल जाएंगे तो देखो कितने बनेंगे भाई एक दो तीन ठीक है तो ये जो है आपके क्या बन जाएंगे प्राइम इम्प्लीकेंट्स बन जाएंगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई कंसीडर द बुलियन ऑपरेटर हैश बताना है आपको विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज एक्स हैक्स जीरो इज इक्वल टू एक्स ठीक है एक्स ऑपरेटर जो है यहाँ पर विद द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज तो एक्स हेक्स की वैल्यू जो है वो किसके इक्विवेलेंट होगी ये बताना है तो एक्स हैस जो है वो जीरो जो है वो आपका एक्स के बराबर होता है एक्स हैन जो है वो आपका एक्स बार के बराबर होता है ठीक है और एक्स हैस जो एक्स है वो जीरो के बराबर होता है ठीक है तो यहाँ पर रख ले भी और एक्स बार एक्स बार, एक्स बार जो है वो वन के बराबर होगा देखो भाई यहाँ क्वेश्चन में देखो देखो एक्स वाई और एक्स एक्स हैज डैश तो यही है तो जीरो जीरो पे हमें ज़ीरो मिला जीरो वन पे वन मिला वन जीरो पे वन मिला और वन वन पे हमें ज़ीरो मिल रहा है तो यही है तो एक्स हैस तो, जो है जीरो जो है वो किसके बराबर है एक्स के एक्स हैस एक्स बार के एक्स हेस जो जीरो है वो जीरो के और एक्स x एक्स बार बार जो है वो वन के बराबर है तो एक्स हेज वाई जो है वो आपका किसके बराबर होगा यहाँ पर ये जो है ट्रुथ टेबल से देखो तो एक्स वाई बार प्लस एक्स बार वाई बार तो ये जोर हो गया एक तरीके से है

आपने क्या किया एक्स वन एक्स टू और एक्स थ्री और एक्स फोर के आपने वैल्यू पुट करके देखी एक्सजोर आप कैसे करते हो सबका एक्सजोर करके देख लो एक्स वन और एक्स टू का एक्सजोर किया जीरो जीरो पे देख लो एक्जोर गेट में क्या होता है सेम वैल्यू पे आपको आउटपुट क्या मिलती है जीरो डिफरेंट वैल्यू पे आपको आउटपुट क्या मिलती है वन ये कहती है इसकी ट्रूथ टेबल तो एक्स टू एक्स वन और एक्स टू का एक्सजोर किया तो जीरो आया एक्स टू और एक्स थ्री का एक्सजोर किया तो फिर ज़ीरो आया और एक्स थ्री एक्स फोर का जीरो किया तो फिर से जीरो आया अब वन में देखो जीरो जीरो का एक्स और क्या जीरो 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 का क्या ज़ीरो लेकिन जीरो और वन का करेंगे तो क्या आएगा वन आएगा जीरो ज़ीरो का किया जीरो ज़ीरो वन का किया वन और वन और जीरो का क्या तो फिर से वन आएगा तो ज़ीरो जीरो का क्या जीरो और फिर जीरो और वन का किया डिफरेंट इनपुट है तो आउटपुट वन होगी और फिर वन वन का किया तो सेम आउटपुट है तो इनपुट क्या होगी जीरो होगी ठीक है फिर हमने क्या किया जीरो वन का वन और फिर वन जीरो का वन और वन जीरो का वन तो फिर से वन आ गया और जीरो वन का वन और फिर वन जीरो का वन और जीरो वन का वन ठीक है तो ये जो है आपका इनपुट होगा तो यहाँ से जो आपके आउटपुट है वो भी क्या आ जाएगी देखो भाई जीरो वन का वन फिर वन वन और जीरो का वन और वन वन का क्या होगा जीरो होगा जीरो वन का वन 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 का जीरो बाई, जीरो बाई, जीरो का जीरो जीरो वन का वन 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 का जीरो और वन वन का फिर से देखो जीरो वन का वन 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 का जीरो और फिर जीरो और वन का करेंगे अगेन वन आ जाएगा ठीक है तो इस तरीके से जब आप सबका एक्सोर करोगे तो ये जो है ये वाली टेबल आ जाएगी अब देखो भैया आपको जीरो जीरो है जो है वो कहाँ पर मिल रहा है अब देखो कॉल जो बोल रहा है कि कौन सा जो है हमेशा ट्रू होगा तो एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर का क्या आएगा जीरो आएगा क्या ये ट्रू है ठीक है एक्स वन एक्स टू एक्स थ्री एक्स फोर उसके बाद देखो एक्स वन एक्स थ्री एक्स वन एक्स थ्री प्लस एक्स टू तो देख लो एक्स वन एक्स थ्री का करके ठीक है या फिर एक्स वन का एक्जोर एक्स थ्री का इज इक्वल टू एक्स टू और एक्स टू का एक्जोर एक्स एक्स फोर का एक् ठीक है तो यहाँ पर इसको करके देख लो तो जब आप इसको करोगे ना तो यहाँ पर जो आपका आंसर आएगा ये वाला तो ये आपका क्या होगा सी ऑप्शन ये जो है आपका ये ये भी आपका ज़ीरो आ रहा है ये भी जीरो जीरो दोनों एक दूसरे के बराबर है तो ये हमेशा जो है आपका हमेशा क्या होगा ट्रू होगा ऑलवेज ट्रू की बात कर रहा है तो सी ऑप्शन आपका सही है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई कुछ ही क्वेश्चन रह गए हैं अभी कुछ क्वेश्चंस और हैं ताकि डिस्कस कर लो आ, के मैप दे दिया आपको डोंट केयर कंडीशन दे रखी है ये वाली जो है आपके पास आ, बोल रहा है कि ऑल द इनपुट ए बी सी आर रिप्रेजेंट द कॉम्प्लीमेंट ठीक है सारी की सारी इनपुट क्या कर रहे हैं कॉम्प्लीमेंट और ऑल्सो अवेलेबल द वो लॉजिक इज इम्प्लीमेंटेड यूजिंग टू इनपुट नोट गेट ओनली मतलब दो इनपुट नोट गेट से हम इसको इम्प्लीमेंट करवा रहे हैं मिनिमम नंबर ऑफ गेट रिक्वायर्ड है कितने नंबर ऑफ गेट यहाँ पर रिक्वायर होंगे तो सबसे पहले गेट जो है इसका के मैप बनाओ के मैप बनाने के बाद हम इसका ये देखेंगे कि फाइनल जो एफ के आउटपुट है वो क्या आएगी ठीक है के मैप बनाया एक ये बन गया और एक ये बन गया एक ही बना ठीक है क्योंकि चार का पेयर बना लिया तो बस फिर एक्स एक्स की क्या जरूरत है ये एक ये बन गया और एक ये बन गया तो फिर हम ये डोंट केयर कंडीशन क्यों ले क्योंकि हमारे वन तो सारे कवर हो ही गए ठीक है तो अब यहाँ पर हमें क्या मिला है देखो यहाँ पर हमें मिला सी और ऊपर से मिला मुझे ए बार सी ए बार मिला ठीक है अब सी ए बार मिला ए बार सी मिला तो अब मैं क्या करूँगी क्योंकि ये तो आपका क्या है एंड गेट है लेकिन हमें क्या लगाना है इतने और गेट ये कितने और गेट बनेंगे तो और गेट बनाने के लिए मैं क्या करूँगी डिमोर्गेंस हो यानी कि इसके ऊपर मैं क्या लगा दूंगी बार लगा दूंगी और बार लगाने से क्या होगा ए बार ए ए बार ए बार और सी का बार यानी कि यहाँ पर प्लस आ जाएगा तो ये डबल बार है तो क्या आ जाएगा हट जाएगा तो ए प्लस सी का बार हो जाएगा तो ए प्लस सी का बार हो गया तो देखो एक एक जो है एक नोर गेट एक नोर गेट लगेगा ठीक है नोर गेट की बात हो रही है तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा भाई क्लियर है ओके नेक्स्ट क्वेश्चन देखो भाई डब्ल्यू एक्स वाइजेड अगेन जो है आपका चार वेरिएबल का के मैप है वी आर डी रिप्रेजेंट द डोंट केयर कंडीशन एक्स जो है uh, जो है के मैप विच ऑफ द फॉलोइंग मिनिमम प्रोडक्ट ऑफ

यहाँ से देखो क्या सेम है भाई आपका डब्ल्यू एक्स में और यहाँ पर आपका जो सेम है सिमिलर है वो क्या है भाई एक्स तो एक्स बार हो जाए सॉरी एक्स हो जाएगा प्लस ऊपर से देखो ऊपर से क्या सेम है जीरो जीरो और वन जीरो तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका जेड का बार ठीक है तो एक्स प्लस जेड का बार और फिर ये वाला आपका एक्स प्लस जेड का बार हो गया और ये देखो भाई यहाँ से क्या आ रहा है यहाँ से आ रहा है आपका जेड बार सॉरी जीरो वन और वन वन और जीरो वन 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 यानी कि जेड आ गया यहाँ से ठीक है उसके बाद यहाँ से देखो यहाँ से आपका वन वन तो यानी कि यहाँ से आपका गया डब्लू तो ये जो है आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा तो देख लो भी कहाँ पे कौन सा मैच कर रहा है तो जो मैच कर रहा है वो आपका यहाँ पर आंसर हो जाएगा ठीक है तो इस तरीके से हम करेंगे क्योंकि जो आपका प्रोडक्ट ऑफ सम होती है पहले प्ल, प्लस करेंगे और बाद में आपका मल्टीप्लाई होता है ठीक है तो आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और समझ में आई है तो आप जो है वीडियो को लाइक कर सकते हैं शेयर कर सकते हैं ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कर सकते हैं चैनल को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर सकते हैं जो बच्चे नेट की या फिर यू जो है टी जी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं वो भी जो है चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं कंप्यूटर साइंस वाले ठीक है तो वीडियो अच्छी लगी हो तो फिर मिलेंगे ऐसी नहीं नेक्स्ट वीडियो में यानी कि नेक्स्ट डे फाइव के अंदर तो तब तक के लिए बाय एंड थैंक यू Thank you.